जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं वर्ष 2022 माघ मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो आइए जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, प्रदोष व्रत के विधि के बारे में और पूजन काल का समय क्या होगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उस व्रत को जाना जाता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव माता पार्वती तथा साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष का व्रत यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय, यह समय प्रदोष काल का होता है। इसी दौरान विशेष प्रकार से भगवान शिव माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं प्रदोष काल के व्रत में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद गंगा नदी में या घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ देने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रहे हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेते हुए आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए, भगवान शिव से कहनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। इस दिन भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। उमा महेश्वराभ्याम नमः, इन मंत्रों का जप करना चाहिए तो लाभकारी होता है। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और सुबह में भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि स्नान करने के बाद घर के कुल देवता या देवी का पूजन करना चाहिए, इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कभी भी पूजन सुबह और शाम के वक्त अवश्य ही करना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रदोष व्रत के करने से कई प्रकार के दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है, संकटों का निवारण होता है। यह व्रत दिन के अनुसार किया जाता है और हर दिन में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। अगर रविवार के दिन प्रदोष व्रत होता है तो उसको करने से आयु की वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो उस दिन को करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का व्रत हो उस व्रत को करने से रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है तथा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत हो उस दिन को करने से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत को करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए शुक्रवार के प्रदोष व्रत को किया जाता है। संतान की प्राप्ति के लिए शनिवार के प्रदोष व्रत को किया जाता है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाता है तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार के व्रत में पूजन में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, सदा ही धर्म कर्म का कार्य करते रहना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है, इसलिए महिलाओं का कभी अपमान ना करें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि प्रदोष का व्रत माघ मास शुक्ल पक्ष में कब किया जा रहा है। जब भी प्रदोष काल के समय में त्रयोदशी तिथि होती है उस दिन प्रदोष के व्रत को किया जाता है। इस बार प्रदोष का व्रत जो कि 14 फरवरी 2022 दिन सोमवार को किया जा रहा है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 13 फरवरी 2022 दिन रविवार शाम 6:44 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 14 फरवरी 2022 दिन सोमवार रात्रि 8:30।
तो हमें प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा है जो कि 14 फरवरी 2022 को, तो इसलिए इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:25 और सूर्यास्त शाम 5:42, तो सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन योग जो कि आयुष्मान योग रात्रि 9:28 तक है। इस दिन राहु काल का समय जो कि सुबह 7:49 से सुबह 9:15 तक राहु काल का समय है, तो राहु काल समय में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। अब आइए जानते हैं शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय। इसके अनुसार आप पूजन कर सकते हैं सुबह और शाम के वक्त में, जो कि 14 फरवरी 2022 को चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय, जो कि अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:25 से सुबह 7:48 तक। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 9:16 से सुबह 10:39 तक। उसके बाद फिर चर, लाभ, अमृत और चर। ये शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि दोपहर 1:28 से शाम 7:17 तक है, तो शाम 7:17 से पहले आप पूजन कर ले तो लाभकारी होगा। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि रात्रि 10:28 से रात्रि 12:03 तक है, तो प्रदोष काल के समय में ही भगवान शिव माता पार्वती साथ में शिव परिवार का विशेष प्रकार से पंच उपचार या खोट उपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए अगर आप मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में, नहीं तो अगर आप घर में कर रहे हो तो घर पे ही एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी पे भगवान शिव के लिए सफेद वस्त्र और माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र बिछाएं। वहाँ पे भगवान शिव माता पार्वती का फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। किसी भी प्रकार के पूजन में मांगलिक कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो भगवान गणेश का सबसे पहले पूजन करें। नंदी देव का पूजन करना चाहिए। उसके बाद श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, नाग देवता आदि का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ का इस दिन जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, उनके ऊपर शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को सफेद वस्त्र अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। उसके बाद फिर बिलपत्र, भांग, धतूरा आदि भगवान को अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अति प्रिय है, तो बिलपत्र जो कि 3 पत्ते वाला बिलपत्र होना चाहिए। बिलपत्र पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान को बिलपत्र अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव को शमी पत्र भी चढ़ाएं। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान को अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। पुंगी फल जो कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है, तांबूल यानी कि पान पत्र। उसके बाद फिर माता पार्वती का पूजन करें, माता पार्वती का जल से अभिषेक करें, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करें। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला माता पार्वती को अर्पित करें। महिलाएं माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता पार्वती को चंदन अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। उसके बाद जिस दिन भी प्रदोष का व्रत हो तो उस दिन के प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। इस बार सोमवार का दिन है, तो सोमवार के दिन जो भी प्रदोष का व्रत होता है उसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ नियम और निष्ठा के साथ पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए इस दिन कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।